welcome back to your maths class. So my dear student, what we are going to do today, so if you remember in our one of the previous classes we have done two question where I have given you question on the whiteboard and that question we have solved. So today we are going to discuss that question. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे और उसके बाद हम स्विच करेंगे ग्रीन बोर्ड की तरफ, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट. तो अगर हम आपसे हाँ चलो ना ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन थे. आपको ये क्वेश्चन याद आ रहे होंगे, हमने ये क्वेश्चन अपनी ऑनलाइन क्लास में हमने ये क्वेश्चन किए हैं. अगर हम आपसे बात करें कि अब पहले क्वेश्चन की, तो सबसे पहले टॉपिक की बात कर लें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो चैप्टर क्वेश्चन है, लेट अस सी. अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बॉट अ सीपीयू फॉर रुपीज 475 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 510. फाइंड हिज प्रॉफिट. एक डीलर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक डीलर थे. उन्होंने क्या किया, ही बॉट अ सीपीयू फॉर रुपीज 475. तो 475 रुपीज का उन्होंने क्या किया, भाई साहब ने क्या किया, 475 रुपीज का सीपीयू ले लिया, ठीक है? जो सीपीयू उन्होंने लिया, तो दैट सीपीयू, वो सीपीयू उन्होंने कितने का लिया, वो सीपीयू उन्होंने लिया, जस्ट अ मिनट लेट मी टेक द पेन, वो सीपीयू उन्होंने 475 रुपीज का लिया एंड इट सोल्ड इट फॉर रुपीज 510 और उसको 510 में बेचा. अभी हमसे क्या बोला है, हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड हिज प्रॉफिट. हमसे बोला है कि फाइंड हिज प्रॉफिट. तो 475 का खरीदा हुआ सामान, मतलब जो सीपी हुआ वो हुआ 475 और उसको बेचा कितने में, 510 में. क्या किया, उसे सेल किया. हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वी हैव टू डू द स्टेटमेंट एंड द सोल्यूशन. तो चलो मैं स्टेटमेंट और सोल्यूशन कराती जाती हूँ, ठीक है? ओके नाउ, ओके नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीपीयू. सबसे पहला ऑब्वियसली आपको पता है जो पहला स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा. तो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, दैट स्टेटमेंट विल बी, जो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है? जो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है हमारा वो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है? सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को डील कर लेंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपीयू, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपीयू, ठीक है? और उसके बाद अगला क्या रहेगा, जब कॉस्ट प्राइस की बात हो गई तो आप सेलिंग प्राइस की बात कर लेंगे. सेलिंग प्राइस ऑफ सीपीयू, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपीयू एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सीपीयू. ओके, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना दिया है देख लेते हैं. क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है 475 और सेलिंग प्राइस दिया है रुपीज 510 और रुपीज सेलिंग प्राइस कितना दिया है 510. 475, 510. ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. ये तो आपको दिख रहा होगा दैट सेलिंग प्राइस इज व्हाट, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से. तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट है. देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड हिज प्रॉफिट, ठीक है? तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू, वी विल राइट प्रॉफिट इक्वल्स टू. तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना दिया है बेटा, सेलिंग प्राइस इज रुपीज 510. सेलिंग प्राइस इज रुपीज 510 माइनस कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 475. क्या दिया है इसका, 475 दिया है हमारा इसका कॉस्ट प्राइस. तो 510 माइनस 475 व्हाट वी विल गेट, 510 माइनस 475 कितना आएगा, व्हाट वी विल गेट, चलो फाइंड आउट, पता करो. सो वी विल गेट रुपीज 25.
rupees 25. Rupees 25 is the solution for this question. Note it down. Though this question has already been discussed in the class, but still you have to know this question. Okay. Now, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा हो गया. देखो ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं. प्रॉफिट लॉस कुछ ऐसा बहुत हाई टॉपिक नहीं है. बहुत ही सिंपल सिंपल से इसमें क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और आपको या तो प्रॉफिट का प्रॉफिट या लॉस कुछ ऐसा आपको क्या करना है, पता करना है. ठीक है ना. अब अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लेट मी मेक अ लाइन हियर. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना लेती हूँ. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा रीड करते हैं. अ डीलर बॉट अ चेयर फॉर रुपीज 90. अ डीलर बॉट अ चेयर फॉर रुपीज 90 एंड स्पेंट रुपीज 10 ऑन लेबर चार्जेस टू ब्रिंग इट टू हिज शॉप. ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 75. फाइंड हिज लॉस. सो एक डीलर था जिसने क्या किया, चेयर खरीदा 90 रुपीज का और उसको बेचा 90 रुपीज की चेयर खरीदी और लेबर चार्जेस कितना लगाया, 10 रुपीज उस पर लेबर चार्जेस लगाया. टू ब्रिंग इट टू हिज शॉप ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 75. फाइंड हिज लॉस. कितना लॉस उसको हुआ अगर उसने 75 के हिसाब से उसको बेचा. ओके, फाइंड हिज लॉस. तो हमें हमसे क्या पूछा है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द लॉस ही सफर्ड. कितना लॉस उसको हुआ वो लॉस के लिए हमसे बोला है. करते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या है. देखो यहाँ पे एक जो अब आप बोलोगे कि मैम बाकी क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है. तो बेटा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के साथ ये जो एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, जैसे यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो एक टर्म यूज़ किया है दैट इज लेबर चार्ज. तो लेबर चार्ज क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंस होता है. लेबर चार्ज इज व्हाट, लेबर चार्ज इज ओवरहेड एक्सपेंस. ओवरहेड एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लेबर चार्ज. ओके, ओवरहेड एक्सपेंस इज लेबर चार्ज इज ओवरहेड एक्सपेंस. नाउ मूविंग अहेड. सो अ डीलर बॉट अ चेयर फॉर रुपीज 90, स्पेंट रुपीज 10 ऑन द लेबर चार्ज. चलो शुरुआत करते हैं. नेक्स्ट आगे चलते हैं. जस्ट अ मिनट गाइस. तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो सबसे पहले सीपी लिख देते हैं. सीपी ऑफ चेयर इक्वल्स टू कितना है, सीपी कितना है, सीपी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है. सीपी आपको क्वेश्चन में, जस्ट अ मिनट, आपको क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है 90 रुपीज. 90 रुपीज क्या है, सीपी दिया हुआ है. अभी नेक्स्ट हमसे क्या है, एसपी ऑफ चेयर इक्वल्स टू कितना है, एसपी कितना दिया है. जस्ट अगर एसपी की बात में करेंगे. अभी देखो सीपी की बात तो अगली चीज हमें करनी है. सीपी ऑफ चेयर के बाद अगला जो हमें लिखना है वो होगा उसका ओवरहेड एक्सपेंसेस. ठीक है, अब अगला हम करेंगे ओवरहेड. कितना दिया है, रुपीज 10 ओवरहेड एज अ लेबर चार्ज दिया हुआ है. तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे टोटल सीपी. वी विल कैलकुलेट टोटल सीपी. टोटल सीपी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सीपी के लिए सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, दैट मीन्स रुपीज 90 प्लस रुपीज 10. रुपीज 90 प्लस 10 इक्वल्स टू रुपीज 100. क्या हो गया हमारा, ओवरहेड एक्सपेंस आ गया, है ना. रुपीज 100 क्या आया हमारा, टोटल सीपी आ गया. इस क्वेश्चन का टोटल सीपी हमारा रुपीज 100 आ गया. ओके, नाउ आगे चलते हैं. अभी
सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है रुपीज 75, सेलिंग प्राइस इज गिवेन रुपीज 75 रुपीज क्या दिया है हमारा सेलिंग प्राइस दिया है। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हुआ, और लॉस इक्वल्स टू, लॉस इक्वल्स टू क्या, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी क्या हुआ हमारा लॉस आया, तो 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25 रुपीज़ का उसको क्या हुआ नुकसान हुआ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ 25 रुपीज़ का उसे क्या हुआ बेटा 25 रुपीज़ का उनको क्या हो गया नुकसान हुआ। ओके नाउ किड्स मूविंग अहेड, अभी आगे चलते हैं, लेट अस मूव अहेड। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, अ रेडियो इज बॉट फॉर रुपीज 450। एक रेडियो को खरीदा गया, कितने से खरीदा गया, रेडियो इज बॉट फॉर रुपीज 450 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 495, और उसको कितने पे बेचा गया 495 रुपीज पे बेच दिया गया। फाइंड द गेन परसेंट, कितना गेन परसेंट है उसका, अ रेडियो इज बॉट फॉर रुपीज 450 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 495, फाइंड द गेन परसेंट, कितना उसका क्या है गेन परसेंट कितना है। ओके चलो करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो इज बॉट फॉर रुपीज 450 एंड सोल्ड इट फॉर 495, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और क्या बोला है कि इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालो। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी किया, व्हाट वी विल गेट क्या आएगा 495 रुपीज माइनस रुपीज 495 माइनस रुपीज 450 इट इज इक्वल टू व्हाट 95 माइनस 50 45, राइट, रुपीज 450 आया हमारे, सॉरी 55 आया ना, लेते हैं इनका प्रॉफिट परसेंट, कितने का प्रॉफिट परसेंट कितना बना इनका। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, नेक्स्ट जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। प्रॉफिट कितने का है 45 रुपीज का, सीपी कितने का दिया है बेटा, सीपी इज 450 रुपीज, और इनटू कितना करेंगे 100, राइट, तो 45 के टेबल में हम 450 10 टाइम में सॉल्व कर देंगे, और 10 के टेबल में 100 10 टाइम में सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10%। प्रॉफिट परसेंट कितना आया हमारा
10% का प्रॉफिट हुआ था उसको, जो सेलर था उसको कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? 10% का उसको प्रॉफिट हुआ था। ओके कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके चलो बाय बाय।